भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और परिश्रम से वह धन कमाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिस प्रकार वो मेहनत करता है उसके अनुरूप उसे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं, या फिर घर में पैसा तो आता है लेकिन घर में ठहरता नहीं है। इसी प्रकार घर में जो है कई प्रकार की जो है समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहती है और घर में जो है निरंतर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जिनको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे घर की समस्याएं, गरीबी व जो भी परेशानी होगी उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि घर की जो मुख्य कार्य योजना होती है उसके अनुरूप हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में परेशानी आती है, गरीबी आती है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार देखने में ऐसा आया है कि व्यक्ति बहुत धनवान रहते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती जाती है और वो अमीर से गरीब बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ जो है वास्तु के टिप्स होते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। अपनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनको अपनाने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, केवल छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए आवश्यक होती है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही जीवन में हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे तथा माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास होगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जो है उन घरों में वास नहीं करती है जहां पर लक्ष्मी के विपरीत कार्य किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य है जो माता लक्ष्मी को, कुबेर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी इन कार्यों को करने से कुबेर भगवान तथा महालक्ष्मी जो है नाराज हो सकती है, रुष्ट हो सकती है और हमारे घर को छोड़ करके जा सकती है तथा हमारे घर में परेशानी और गरीबी आ सकती है, यानी अलक्ष्मी और दरिद्रता का वास हमारे घर में हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी तो हमारे घर में लक्ष्मी की जो दूसरी बहन है जिनका नाम है अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता कहा जाता है, वो निवास करेगी। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं और शायद ही आज तक आपको किसी ने बताई होगी। और इन बातों का ध्यान यदि अपने घर में रखेंगे, परिवार में रखेंगे, तो निश्चित तौर से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा तथा आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये वो बातें हैं जो घर में दरिद्रता उत्पन्न करने वाली होती है, जो घर में गरीबी का आगमन करवाने वाली होती है। इसलिए आप कतई ऐसे कामों को न करें जिससे घर में दरिद्रता आए, कमजोरी आए, गरीबी आए तथा घर में जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, जहां पर गंदगी पड़ी रहती है, वहां लक्ष्मी कदापि निवास नहीं करती है। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि आपको अपने घर की प्रत्येक दिन अच्छी प्रकार से साफ सफाई अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि घर में किसी भी सदस्य को सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जिस घर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वहां के सदस्य सोते हैं, उस घर में दरिद्रता आने लगती है और धीरे धीरे करके वहां की समृद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रयास करें कि घर का प्रत्येक सदस्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय न सोए। और तीसरा बिंदु है कि आपको सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए तथा रात में भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप कचरा समेट करके इकट्ठा करके घर में रख दे, लेकिन झाड़ू लगा करके बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तथा चौथा पॉइंट है कि आपको घर में आए हुए अतिथियों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। अतिथि भगवान का रूप माने जाते हैं, जब भी अतिथि आते हैं तो आपके पास यदि कुछ स्वागत करने योग्य वस्तु नहीं है तो आप मीठे और मधुर वाणी से उनका स्वागत तथा सम्मान कर सकते हैं, लेकिन कदापि आपको अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर करने से घर में जो है अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है।
उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि हमारे जो नाखून होते हैं अक्सर बड़े हो जाते हैं, तो कई लाख लोग जो है अपने दांतों से नाखून काटने लगते हैं। ये बड़ा ही अशुभ संकेत है। जिस घर के सदस्य अपने नाखूनों को दांतों से काटते हैं उस घर में गरीबी रहती है, यानी दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए आप नाखून को कदापि दांतों से न काटें। तथा नाखून को यदि आपको काटना है तो नेल कटर से या अन्य किसी माध्यम से काट लेवे तथा उनको एकत्रित करके पेपर में बांध करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तथा शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय नाखून नहीं काटना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नाखून काटे तो इधर उधर नाखून फैलना नहीं चाहिए, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होगा। और उसके बाद हम आपको छठा पॉइंट बता दें कि घर में बंद घड़ी का कदापि नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही घर में जो भी बंद पड़े उपकरण जो है खुले नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में बंद घड़ी है या बंद टीवी है या बंद कंप्यूटर है या बंद मोबाइल है या बंद स्कूटर है या बंद कार है या कोई भी टेक्निकल वस्तु जो बंद पड़ी हुई है बहुत दिनों से, तो उसको खुली न रखे, उसको पैक करके ढक करके आपको रख देना चाहिए। क्योंकि बंद यंत्र जो है हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, इसलिए कोई भी यंत्र को जो बंद है उसको खुला बिल्कुल न रखें। यदि हटा सकते हैं और चालू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं चालू कर सकते तो पैक करके आपको रख देना चाहिए। इसके अलावा टूटी कंघी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कंघी टूट जाती है उससे ही कंघी करते रहते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का और गरीबी का वास होगा, तो इसलिए आपको टूटी कंघी का कदापि उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो घर की माताएं होती है, बहनें होती है, महिलाएं होती है, अक्सर क्या करती है, खड़े खड़े ही अपने बाल संवारने लगती है। यह बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि बाल का संवारना हो तो बैठ करके बाल संवारना चाहिए, खड़े खड़े कदापि बाल नहीं संवारना चाहिए। इसके अलावा रसोई घर या किचन में तथा पूजा घर में कभी भी बाल नहीं संवारना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो है देवी देवता नाराज होंगे और घर में दरिद्रता आने लगेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है कि घर के जो सदस्य है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कई लोग इतना झूठ बोलते हैं कि वो झूठ बोलने की हद कर देते हैं। जो व्यक्ति या जिस घर में ज्यादा झूठ बोला जाता है वहां पर दरिद्रता यानी गरीबी का वास होता है। यदि किसी की जान बचाना हो या किसी व्यक्ति को संकट से निकालना हो या आपत्ति काल में आपको झूठ बोलना पड़े तो वह पाप नहीं होता है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इसलिए आपत्ति काल में आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अकारण बिना कारण आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा या कलह निरंतर होता रहता है वहां से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कहा गया है कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए परिवार के लोगों को आपस में मिलजुल करके प्रेम भाव के साथ में रहना चाहिए। जिस घर में लोग प्रेम से रहते हैं वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही आपको जो है ऐसा करते रहना चाहिए कि एक दूसरे को मीठी वस्तु कुछ न कुछ हमेशा खिलाते रहना चाहिए। कभी शक्कर खिला दो, कभी गुड़ खिला दो, कभी शहद खिला दो, या कभी मिश्री खिला दो, कभी मिठाई खिला दो। तो परिवार के लोग जब आपस में एक दूसरे को मिठाई या मीठी वस्तु खिलाते रहेंगे तो उनमें प्रेम बना रहेगा। इसके अलावा जो अगली बात है कि लोग जो सोते हैं तो सीधे सोना चाहिए। करवट से सोने का विधान है, दोनों करवट से आप सो सकते हैं। विशेष करके बाई करवट सोने से जो है समृद्धि आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन उल्टे नहीं सोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि हमेशा उल्टे सो। यदा कदा यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट खराब है या अन्य कोई समस्या है या डॉक्टर ने आपको बताया है कि उल्टे सोना है, तब आप सोए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अधिकतम यदि आप उल्टे सोएंगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी, कमजोरी आएगी, गरीबी आएगी। अगला पॉइंट है, घर में यदि आप पीने का पानी रखते हैं तो उस पीने के पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। खास तौर से रात के समय पीने को पानी जो रखा रहता है उसमें ढक्कन ढक करके रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही पीने के पानी को हमेशा ढक करके ही रखना चाहिए। जिस घर में पीने का पानी खुला रखा जाता है वहां पर भी दरिद्रता वास करने लगती है।
और उसके बाद अगला पॉइंट है, मुख्य द्वार के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि घर की जो महिलाएं होती है, बुजुर्ग महिलाएं होती है, बड़ी महिलाएं होती है या बहुएं होती है, वो दहली में बैठ करके, द्वार में बैठ करके जो है चर्चा करने लगती है, जो बिल्कुल गलत है। या तो अंदर बैठ जाइए या बाहर बैठ जाइए, लेकिन मुख्य द्वार के बीचों बीच कभी भी नहीं बैठना चाहिए। विशेष तौर से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय मुख्य द्वार पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार के माध्यम से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और जब हम मुख्य द्वार पे बैठ जाएंगे तो लक्ष्मी जी को हम अवरोध यानी आने में जो है रुकावट पैदा करेंगे, इसलिए मुख्य द्वार पर कदापि नहीं बैठना चाहिए। और अगला पॉइंट है, आपको बाथरूम में जो है जो बाल्टी रखी जाती है, सबके बाथरूम में बाल्टी होती है, उस बाल्टी को खाली नहीं रखना चाहिए, उसको भरी हुई रखना चाहिए। जिस घर में बाथरूम में बाल्टी हमेशा भरी हुई रहती है, उस घर में धन दौलत हमेशा भरी रहेगी, तथा बाथरूम को गीला और गंदा नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि गीला हो जाता है तो उसे वाइपर से या कपड़े से या किसी भी अन्य चीज से, झाड़ू से आपको अच्छी प्रकार से साफ कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तथा रात के समय जब हम लोग भोजन करते हैं तो अक्सर लोग झूठे बर्तन छोड़कर ही सो जाते हैं। जिस घर में रात को झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, और उस घर में जो है कई प्रकार की परेशानियां तथा नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती है। इसलिए रात को आप सोते समय झूठे बर्तन कदापि न छोड़े। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, घर में आपके यदि आप पशु पक्षी पालते हैं, जीव जंतुओं को पालते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि उनको कैद करके कदापि न रखे। जैसे हम तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं, या चिड़ियाओं को पिंजरे में बंद कर देते हैं, या अन्य पशु पक्षियों को जो है पिंजरे में बंद करके यानी उनको सजा एक प्रकार से दे देते हैं। वैसे मछलियों को जो है जल में रखते हैं उसका कोई दोष नहीं होता है, कछुआ को हम जल में रख देंगे कोई दोष नहीं होगा, लेकिन यदि हम पिंजरे में तोते को या चिड़िया को या कौवा को या अन्य पक्षियों को बंद कर देंगे तो एक प्रकार से हम उनको सजा दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आप पक्षियों को पालिए, पक्षियों को पालना, उनको खिलाना पिलाना उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको पिंजरे में बंद करके सजा मत दीजिए। यदि आपने पिंजरे में पक्षियों को रखा है तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसे में आपके घर में जो है समृद्धि नहीं आएगी और आपके घर में गरीबी तथा दरिद्रता का वास होने लगेगा। अगला पॉइंट है, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा छिपकली है तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि छिपकली के लिए कुछ दवाई ले आते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं, या झाड़ू से या डंडे से या अन्य किसी माध्यम से छिपकली को मारने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जीव हत्या का तो पाप लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा चूंकि छिपकली को जो है लक्ष्मी का कारक माना गया है, वैसे भी कहा जाता है कि दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया या महालक्ष्मी के परम पर्वों के दिन या पूर्णिमा की रात्रि में छिपकली का दिखना शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आप छिपकली को मारेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागी हो जाएंगे, इसलिए छिपकली यदि आपको दिखे तो आप उनको मारिएगा मत। वैसे ही आप उनको भगा सकते हैं, इधर उधर उनको जो है इशारे से जो है इशारा कर सकते हैं, लेकिन आप उनको जान से मत मारिएगा। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता यानी अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, अक्सर लोगों के घर में देखने में आता है कि बिल्लियों को पाल लेते हैं, बिल्ली पालना अशुभ माना जाता है। वैसे यदि कोई बिल्ली आ गई है, अचानक अनायास घर में आ जाती है, रोटी खा लेती है, दूध पी लेती है, तो कोई दोष नहीं है। बिल्ली यदि घर में बच्चे भी दे दे तो शुभ माना जाता है, लेकिन आप जान करके यदि घर में ला करके बिल्ली को पालेंगे, पिंजरे में रखेंगे, तो वह गलत माना जाता है। बिल्ली को कभी भी पालना नहीं चाहिए, बिल्ली को आप चाहें तो रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं, सब कुछ करें, प्रेम करें, क्योंकि वह भी परमात्मा का जीव है, आप खिलाएं पिलाएं कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको पालिएगा मत। बिल्ली को कभी भी घर में पालना नहीं चाहिए, और बिल्ली कभी भी एक घर की नहीं रहती है, इसलिए आप बिल्ली को जो है खिलाएं पिलाएं, सभी तरह से प्रेम करें, लेकिन पालना बिल्कुल मत। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि आपके घर में गैस सिलेंडर सभी के घर में आता है, हम भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर हमारे घर में मंगवाते हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि वो गैस सिलेंडर किस घर से आया है।
तथा किस तरह से उसका उपयोग हुआ है। न जाने कहां कहां की नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक गंदगी उसके आसपास चिपकी रहती है। ऐसे में जब भी गैस सिलेंडर आपके घर में आए तो सबसे पहले आप उसको एक दो बाल्टी पानी डालकर के अच्छा धो लीजिएगा। साफ सुथरा करने के बाद ही आपको रसोई घर में गैस सिलेंडर लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान बताया गया है। यदि आप गंदगी भरे गैस सिलेंडर को अपने रसोई घर में लगा देंगे तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां वास करने लगेगी और आपके घर से माता अन्नपूर्णा भी चली जाएगी। इनके अलावा लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाएगी तथा भोजन बनाते समय अक्सर महिलाएं बिना नहाए धोए भोजन तैयार कर लेती है। ऐसा करना भी गलत है, क्योंकि हम भगवान को जब भोग लगाएंगे तो बिना नहाए भोजन तैयार नहीं करना चाहिए तथा चप्पल जूते पहन करके रसोई घर में भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। चप्पल जूते पहन करके भोजन घर में यानी रसोई घर में कदापि नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा भोजन घर में परम पवित्र रखने की आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मल मूत्र का त्याग भी रसोई घर में कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी तथा आपके घर से सुख शांति समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और अगला बिंदु है कि घर में जब भी प्याज या लहसुन के जो छिलके निकलते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए। जिस घर में प्याज लहसुन के छिलके जलाए जाते हैं उस घर में धीरे धीरे करके उस घर की समृद्धि चली जाती है और वहां पर गरीबी निवास करने लगती है। और अगला बिंदु है, आपको अपने घर में जो दीपक प्रज्वलित होता है, जैसे रोजाना दीपक जलाते हैं या फिर दिवाली को दीपक जलाते हैं या किसी भी पर्व पर या किसी भी अवसर पर, वैसे ही यदि हमने सामान्य तौर पे दीपक जलाया है या अग्नि प्रज्वलित की है या अग्नि की कोई भी वस्तु है तो उसको फूंक नहीं मारना चाहिए। फूंक मारने से हमें पाप लगेगा और अग्नि देवता के ऊपर हमारे मुंह की झूठन उड़ेगी। इसलिए अग्नि को यानी मोमबत्ती को, दीपक को या किसी भी अग्नि तत्व को फूंक मार के बुझाना नहीं चाहिए। यहां तक कि हमारा गैस जो जल रहा है उसको भी फूंक मार के कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। तो अग्नि संबंधी किसी भी वस्तु को फूंक मार के कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। इसके अलावा कई घरों में देखा जाता है कि लोग बात बात पर झूठी कसम खाने लगते हैं। तो यदि आप बार बार झूठी कसम खाओगे, एक दो बार यदि आपने हंसी मजाक में झूठी कसम खा ली चल जाएगा, लेकिन बार बार जब आप झूठी कसम खाओगे तो आप जो है महान पाप के भागी बन सकते हो और आपके घर से लक्ष्मी जी चली जाएगी। तो आपको झूठी कसम खाने से भी बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को भोग लगाए बिना कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप भोग नहीं लगा सकते हैं तो जब आप भोजन करने बैठे उस समय आप परमात्मा का धन्यवाद करें, प्रभु को जो है आप स्मरण कर ले और उनको धन्यवाद जरूर दे कि प्रभु आपकी कृपा से हम भोजन कर रहे हैं। इस जो है आपको प्रतिदिन परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा मुख्य द्वार के ऊपर हमको गंदगी नहीं रखना चाहिए। कूड़ा करकट आपको मुख्य द्वार पर या मुख्य द्वार के आसपास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आने वाले किसी भी व्यक्ति की सीधी दृष्टि मुख्य द्वार पर पड़ी हुई गंदगी पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि चली जाएगी तथा घर में जो है दरिद्रता या गरीबी का वास होगा और मकड़ी के जाले हमारे घर में हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मकड़ी के जाले भी आपको समय समय पर साफ सुथरा करते रहना चाहिए। और जिस घर में ज्यादा मकड़ी के जाले हो जाते हैं वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और उस घर से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके अलावा अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर में लोग अंधेरे में भोजन करते हैं वहां पर दरिद्रता आती है, नकारात्मक शक्तियां उस घर में वास करती है। अगला बिंदु है, घड़ा उठा करके घड़े से पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पानी पीना है तो गिलास से पानी पिए, ऊपर लोटे से आप पानी पी सकते हैं, लेकिन घड़े को झूठा करके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो जूते चप्पल होते हैं वो उल्टे नहीं पड़े रहे और आने वाले लोगों की सीधी दृष्टि जूते चप्पल पे नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल को छिपा करके रखना चाहिए। जिस घर में द्वार के आसपास फैले हुए जूते चप्पल पड़े रहते हैं वहां पर महालक्ष्मी कदापि उस घर में प्रवेश नहीं करती है, वरन उस घर में हमेशा हमेशा के लिए गरीबी निवास करने लगती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और यदि आपके घर में कोई भी याचक आता है
भिखारी आता है, ब्राह्मण आता है, साधु संत आता है, तो आप खाली हाथ न लौटने दे, उसको कुछ न कुछ जरूर दे दे। आपके घर में जो उपलब्ध है वो दे दे। एक सिक्का भी आप दे देंगे तो भी आपको दोष नहीं लगेगा। तथा ब्राह्मण साधु संत की बुराई कभी नहीं करना चाहिए और भगवान की निंदा कदापि नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर देखते हैं कि हंसी मजाक में भगवान की निंदा करने लगते हैं। इस प्रकार धर्म ग्रंथों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए, बिना नहाए हुए रामायण को, भागवत जी को, गीता जी को या कोई भी धर्म ग्रंथ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तथा घर में महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को मात्र शक्ति माना गया है। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है उस घर को माता महालक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवताः। जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां पर सारे देवी देवता रमण करते हैं। इसलिए हमारे घर की मात्र शक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा घर के जो बच्चे होते हैं उनको गाली नहीं देना चाहिए। लोग अक्सर अपने घर के बच्चों को गाली बोलते रहते हैं और बुरा भला उनको कहते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जिस घर में बच्चों को गाली दी जाती है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए बच्चे चूंकि भगवान का रूप माने जाते हैं इसलिए बच्चों को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। तथा अपवित्र अवस्था में देव स्थान को या भोजन स्थान को या खाने पीने की वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए। यदि आप अपवित्र है यानी आप या तो महिलाएं जैसे मासिक धर्म में होती है उस दौरान भी उनको रसोई घर को और देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप शमशान से आए हैं तो भी आपको घर की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसके बाद शमशान में जब आप जाते हैं तो वहां पर हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शमशान चूंकि गंभीर विषय होता है और वहां से जो है मोक्ष द्वार की शुरुआत होती है, इसलिए शमशान के स्थान पर कभी भी जाकर के हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि कटिंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो आपको 40 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 40 दिन जैसे ही हो जाए वैसे ही बाल कटवा लेना चाहिए। वैसे तो उसके पहले भी आप कटवा सकते हैं लेकिन 40 दिन से अधिक हमारे बालों को हमको नहीं रखना चाहिए। 40 दिन हो जाए तो वैसे ही आपको कटिंग करवा लेना चाहिए। तथा व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए, घर के जितने भी सदस्य होते हैं चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो और माता हो, बहने हो, वो ऐसी कोई भी बात न बोले जो बुरी लगती हो। यानी जैसे आप कहते हैं कि फलाने की मृत्यु हो जाए या फलाने का बुरा हो जाए, यदि आप बार बार ऐसी वाणी को अपने मुंह से निकालेंगे तो आपके मुंह पे चूंकि सरस्वती 24 घंटे में एक बार विराजित हो जाती है और वह बात सच हो जाएगी। इसलिए हमारे मुख से हमेशा जो है अच्छी बात निकलना चाहिए, अच्छे विचार उत्पन्न होना चाहिए। हम जो भी बोले सोच समझ करके बोले, किसी के बारे में भी बुरा न बोले। यदि ऐसा हम करेंगे तो निश्चय ही हमारे घर में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी तथा घर से नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।